सबको जय मसीह की खरी चाल चलने वाले पर आशीष होती है। आज का वचन प्रभु यीशु ने हमें इस प्रकार दिया है कि हमें ये समझना है कि हमें खरी चाल चलनी है, तो खरी चाल चलने वालों पर आशीष होती है। तो ये वचन प्रभु ने वचन संहिता 84:11 में दिया है कि क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल और यहोवा अनुग्रह देगा और महिमा देगा, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। तो आओ मेरे प्यारे मित्र, आज की इस प्रतिज्ञा वचन संहिता के लिए 84:11 के लिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह देगा और महिमा देगा, जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रखना छोड़ेगा। हालेलुया। हाँ, जब आपका चाल चलन खरा है, आपका जीवन निर्दोष है, प्रभु आपके जीवन में आपकी ज़रूरतों की सभी चीज़ें देगा। आज भी प्रभु आपसे धन और दौलत की प्रतीक्षा करते हैं। आपके परिवार की सभी ज़रूरत खूबसूरती से पूरी होगी, आपको किसी से मदद मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आपकी चाल चलन निर्दोष होगी तो प्रभु आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरी करेंगे। परमेश्वर आपसे ये भी वादा करते हैं कि आपके बच्चे देश में पराक्रमी होंगे। जब आप धर्मी होंगे तब आपकी संतान भी धर्मी होगी, आपके बच्चों को भी वह आशीर्वाद विरासत में मिलेगी। यदि हम वचन संहिता 112:2-3 भी पढ़ते हैं कि उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएगी। प्रभु कहते हैं जो सरल और सीधे लोग हैं उनकी संतानें, मतलब आने वाली 7 पुश्ते तक आशीष पाएगी। उनके घरों में धन संपत्ति रहती है और वो स्थिर रहती है, मतलब जो धन संपत्ति स्वर्ग से जो उतरती है वो सीधे लोगों के घर में, जो सीधी चाल चलते हैं उनके घर में स्थिर रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा, मतलब उसके ऊपर कभी भी बुराई और कोई भी बीमारी कोई तकलीफ नहीं आएगी। धर्म उसके ऊपर, प्रभु का धर्म में हाथ बना रहेगा। यह वचन आज आपका आशीर्वाद बनाने जा रहा है। मेरे भाई बहनों, आप छोटी छोटी बातों में भी धर्मी बने और आप आशीष पाएं। आप अपने दिल में जाके कि हम अगर 2 रुपए का भी अगर किसी का, अगर हम छोटे से छोटा काम भी अगर हम किसी का कर रहे हैं, हम भी जाँचेंगे और आप भी जाँचें, क्योंकि प्रभु ये चाहता है कि हम बुरे काम ना करें और सीधी चाल चले और सीधा जीवन जिए, क्योंकि वो हमारा प्रभु भी सीधा है और सहज है और सरल है। हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हे हमारे पिता, आपने जीवन में आशीषों की प्रतिज्ञा हमारे लिए दी है, उनके लिए प्रभु आपका धन्यवाद। मेरे जीवन की छोटी छोटी बातों में भी हमें निर्दोष रहने में और हमें हमारे जीवन को प्रभु तेरे साथ चलने में हमारी सहायता करें। आपके नाम की महिमा हो हमारे जीवन से मेरे प्रभु, आपके हर एक कामों में प्रभु हमारी सच्चाई और सरल जीवन हो मेरे प्यारे पिता। हम खरी चाल चले और छोटी छोटी चीज़ों में प्रभु अपने आप को जांचे, मुझे किसी अच्छी चीज़ की कोई कमी घटी ना होगी। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह मेरे साथ है, उसकी सरलता उसकी सीधा जीवन मेरे साथ है। इस अनमोल प्रतिज्ञा से प्रभु हम इस प्रार्थना को आपसे मांगते हैं यीशु के अनमोल नाम में, आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, अगर आप सबको ये आशीष मिली और आपने वचन को सुना तो प्रभु के नाम से आप इसे शेयर करें और इस वचन को प्रभु के नाम से और इस चैनल को प्रभु के नाम से सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।